गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आज ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ सामने आई हूँ कैमरे के साथ। तो आज मैंने आप लोगों के लिए ये मेकअप लुक किया है, बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप के साथ और बहुत ही इजी मेकअप लुक है। तो आप देख सकते हो और लॉन्ग स्टे भी करता है, आप लोग देख सकते हो। और सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ जो कि एल्प्स गुडनेस का है। और टोनर आप लोगों को पता है क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, इसलिए हम टोनर यूज करते हैं। और ये मेरे को प्रिया दीदी ने बताया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था। और यहाँ पर मैं अब इसके बाद सीरम यूज करूँगी। और सबसे पहले हमें अपने स्किन केयर को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद ही हमें मेकअप स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर्पल का सीरम लिया हुआ है, विटामिन सी है शायद। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सीरम लगा ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसके बाद गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल यूज़ करूँगी, और ये टी ट्री वाला है शायद, एवोकाडो टी ट्री ऑयल है ये फेशियल ऑयल। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लगा ले रही हूँ, और सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस तरह से मैं कुछ लगा लूँगी इसको, और ये देख सकते हो कितना अच्छा सा ग्लो आ गया है। यहाँ पे मैंने ये मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ किया है, आप लोगों को पता है ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, फुल कवरेज देता है। तो यहाँ पर मैं अपनी आइज़ को प्राइम कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम इसको दोनों आइज पे अपने अच्छे से लगा लेंगे। अब चलते हैं, यहाँ पे मैंने मिस रोज़ की पैलेट ली है, और यहाँ पे ये वाला पिंक शेड लेके मैं अपनी क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी कुछ इस तरह के। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी इसकी पिगमेंटेशन है, और इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी तो आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पर मैं इस तरह से इसको ब्लेंड करूँगी। आप लोगों को पता है आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे उतना ही अच्छा मेकअप उभर के आता है। अब मैंने यहाँ पर ब्लैक शेड लिया है, क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी और दोनों शेड को मिक्स एंड मैच करूँगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, और जब तक ब्लेंड करेंगे जब तक दोनों मिक्स एंड मैच ना हो जाए कलर, तो कुछ इस तरह से, और इस तरह से कुछ कर लेंगे दोनों ब्लेंड। तो यहाँ पे हमें अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा अपने आई शेडो उभर के आते हैं। तो ये इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से मेल्ट हो गए हैं दोनों कलर कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कट क्रीज बना ली है। अब यहाँ पे मैं कॉपर शेड लेके अप्लाई करूँगी कट क्रीज के ऊपर, और इस तरह से कुछ आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ब्रश का यूज़ किया है इस तरह से। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा आई शेडो उभर के आए हैं, और कलर भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी आई कंप्लीट हो गया, आई मेकअप लुक। अब हम चलते हैं अपने आई लाइनर की तरफ। यहाँ पे मैंने लैकमे का लाइनर लिया है, और ये अफोर्डेबल के साथ बहुत ही अच्छा काम करता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, और इसका एप्लीकेटर तो बहुत ही अच्छा है, जो बिगनर हैं उनके लिए तो बेस्ट है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो इस तरह से कुछ। मैं यहाँ पे विंग ड्रॉ करूँगी कुछ इस तरह से, और थोड़ा मोटा विंग बनाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक आई मेरी कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से लगा सकते हो। अब यहाँ पर मेरी दोनों आईज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी, एन वाई वे की पेंसिल ली हुई है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपने अच्छे से इसको ड्रॉ कर लूँगी अपने आईब्रो को, और यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड इसका लिया हुआ है, और ये मेरे को 75 रुपीज़ में समथिंग मिल गई थी। अभी तो अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, तो आप लोग purple.com पे जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने NYV का प्राइमर लिया है, और ये सिलिकॉन बेस प्राइमर है, और इस तरह से मैं इसको एक मटर के दाने जितना लेना होता है तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो आपका फाउंडेशन या सीसी क्रीम ग्रे लगने लग जाएगा चेहरा, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही लगाना होता है। तो यहाँ पे मेरा लग चुका है इस तरह से। तो बस अब हम यहाँ पे पॉन्स की BB क्रीम अप्लाई करेंगे इस तरह से डॉट डॉट बना के। और यहाँ पर मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी है,
तो इस तरह से फाउंडेशन तो सबको वैसे मैंने कई बार बताया है किस तरह से लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं ब्रश से ब्लेंडिंग कर लूँगी। आप लोगों को जिससे मतलब अच्छा लगे आप उससे ब्रश से या स्पॉन्ज से आप कर सकते हो, मुझे ब्रश से ज़्यादा इजी लगता है तो इसलिए मैं ब्रश से कर लेती हूँ ब्लेंड और उसके बाद ब्लेंडर से अप्लाई कर लेती हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए और अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पे जितना अच्छा ब्लेंडिंग करोगे, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप उभर के आता है। यहाँ पे मैंने मिस रोज का कंसीलर ले लिया है, अपनी अंडर आइज पे लगा रही हूँ हाईलाइटिंग के लिए। तो कुछ इस तरह से हाईलाइट कर लोगे। यहाँ पे मैं ब्लेंडर से भी इसको अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ इस तरह से, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी करता है आपको मेकअप, तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने NYPA का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि ये मेल्ट ना हुए, इसलिए मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद हम कॉन्टोरिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने मियोन की मैंने ये कॉन्टोरिंग पैलेट लिए है और ये देख सकते हो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे अपनी अच्छे से ब्लेंड करेंगे अब, और ये हमारे अच्छा सा फेस कॉन्टोरिंग करते हैं जिसका फेस गोल मटोल है उस उन लोगों के लिए बेस्ट है। तो कॉन्टोरिंग ज़रूर करिएगा, और आपका बड़ी बेडिंग है या फिर पार्टी वार्टी में जाना तो आपको कॉन्टोरिंग ज़रूर करके जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं साफ दिखाने के लिए पाउडर से इसको अप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने मियोन की पैलेट लिया है ब्लश हाइलाइटर पैलेट। तो यहाँ पे मैंने पिंक लिया है ब्लश, तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी कुछ इस तरह से। देख सकते हो अप्लाई हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे मैं इसको हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे वैसे तो लगा लिया था लेकिन अब मैं इसको अच्छे से फोरहेड पे और चिन एरिया पे लगाऊंगी कुछ इस तरह से। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन सेट होने के बाद जब मैं फिक्सर यूज करूँगी तो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ब्लू शेड लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी कुछ इस तरह से, देख सकते हो, ताकि हमारी आइस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर लिया है अपनी आइस को कुछ इस तरह से, देख सकते हो, ताकि आइस हमारी थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई दे। अब यहाँ पे मैंने CBB का काजल लिया है, वाइट काजल। मैंने ब्लैक बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना वाइट काजल यूज़ किया जाए, तो यहाँ पे मैंने वाइट काजल यूज़ किया है। तो देख सकते हो कि आई लुक कितना उभर के आया है मेरा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसके बाद हमने आई लैसेस अप्लाई कर ली हैं। अब देख सकते हो कितना आई लुक अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने मैक फिक्सर यूज किया है। इस तरह से कुछ अप्लाई कर लेंगे। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फिक्सर लगा हुआ है वो हट जाए और अच्छे से हमारा जो मेकअप है सेट हो जाए। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। और मैंने इसको ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये जो मैंने फाउंडेशन लगाया था वहीं पे थोड़ी फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी थी। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम अपना सेट कर सकते हैं पूरे फेस को। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट है। अब यहाँ पे मैंने शुश ब्यूटी की ये लिप कलर लिया है, और तो यहाँ पे मेरा मजेंटा कलर लिया है, आप देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा कलर है, ये देख सकते हो कुछ। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई, और ब्रश वाला आपको बहुत ही आपको लगाने नहीं आती तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको लगाना सिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से हम कुछ नहीं ऊपर का थोड़ा सा ड्रॉ करना, बहुत ही संभाल के लगाना होता है। तो इस तरह से हम अपनी शेप बना लेंगे, बहुत ही ईजी होता है लगाना, देख सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पर लगाओगे तो संभल के लगाना, पता चले ख़राब हो जाए, तो इसलिए बहुत ही संभल के लगाना होता है। तो बस ये है हमारा फाइनल कंप्लीट लुक, बस इतना ही करना होता है। अगर आप शादी फंक्शन में जा रहे हो तो इस तरह का लुक करके जा सकते हो। तो ये देख सकते हो हमारा फाइनल लुक। तो यहाँ पे मैं ये अपने इयर रिंग्स पहनने वाली हूँ, इस तरह से देख सकते हो कितने खूबसूरत हैं। मैंने इसमें दो पेयर लिए हुए हैं, एक सिल्वर और एक गोल्ड। तो आप लोग बता सकते हो तो यहाँ पर मैंने कौन से वेयर करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सिल्वर वाले ही वेयर कर लूँ।
तो ये देख सकते हो कितने अच्छे हैं और इसके घुंघरू बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं, तो कुछ इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी सिल्वर वाली पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं गोल्ड वाली वीडियो में भी आपको पहन के दिखाऊंगी और बनाऊंगी उसके लिए भी वीडियो। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से पहन ले रही हूँ। तो यही था मेरा आज का वीडियो और मैं बहुत दिन बाद के बाद लेके आई हूँ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइस ये देख सकते हो मैंने दोनों ईयरिंग्स अपने पहन लेती हूँ। और हाँ एक बात और बता देती हूँ, इसके बाद मेरा एक वीडियो और आने वाला है जिसमें मैंने पूरे मैंने अपने ईयर कलेक्शन दिखाया हुआ है, जितने मेरे पास हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो चलिए मेरा ये लोग कम्प्लीट होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।